लिए जितनी मेरी टीम है उन सबको बहुत बहुत प्यार। आप लोगों के लिए जरूर एक गाना प्ले करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं चाहूंगा कि बड़े शांति से जैसे आप लोग आए थे चार संडे वैसे अभी निकलेंगे। हमारे परमिशन में भी 10-15 मिनट बाकी, लेकिन हम 10 मिनट पहले खत्म करते हैं ताकि आप इंजॉय करने आए इंजॉय करके जाओ। सारी जो बच्चे हैं, सारी जो महिलाएं हैं, सारी जो महिला हैं, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देना यहाँ से जाने के लिए। फिर आप लोग निकालना, एंजॉय करना। आप जितना एंजॉय करोगे इस शो उसके बाद चलते रहेगा। मैं फिर एक बार सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप खास करके यहाँ के हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट, सारे लोगों का जोरदार ताली लोग, और सभी लोगों को फिर एक बार बहुत बहुत प्यार मैं चाहूंगा कि भाई है चेतन। करीबन इन चार हफ्तों में करीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग जो है आके गए यहाँ पे, और हमारा जो मैसेज था वो मैल न्यूट्रिशन के खिलाफ जो लड़ाई इस बार मलाड मस्ती लड़ रही था कि हमारे इस महाराष्ट्र के अंदर एक भी बच्चा या एक भी महिला जो है वो भूख से ना मरे, ये एक मिशन लेके मलाड मस्ती चली थी। मुझे लगता है काफ़ी हद तक का लोगों ने उसमें साथ दिया है, और साथ ही साथ जो हमारा दूसरा मिशन था कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो बुरी आदतों में ना पड़े, ड्रग्स में ना पड़े, कोई शराब ना बने, कोई इस तरीके से मावा या गुटखा नहीं खाए, और खास करके जो नई बीमारी है जो इलेक्ट्रॉनिक की, व्हाट्सअप की, फेसबुक की, इससे बाहर निकल गया है। सुबह सुबह एंजॉय करें, एक्सरसाइज करें। मुझे लगता है इतनी कशीद तादाद में लोगों ने आके ये बता दिया कि नहीं, वो भी ये मेल न्यूट्रिशन और ये ड्रग्स के खिलाफ जो है हमारे साथ। तो ड्रग्स के खिलाफ जिस तरह से आपने मलाड मस्ती के थ्रू इतने सारे लोगों को मैसेज दिया, तो ये मलाड मस्ती के बाद आप लोगों को और कैसे मैसेज देने की कोशिश करते हैं? देखिए, ऑनलाइन इतने सारे स्टार्स आए, इतने सारे सेलिब्रिटीज आए, इतने सारे सिंगर्स आए, ये सब लोगों ने अपने इंस्टाग्राम में, अपने फेसबुक पे, अपने सब जगह ट्वीट किया है, तो उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले ज़रूर इस बात को मानेंगे। अगर हमने 10-20-50% भी इसमें यश पा लिया तो मुझे लगता है कि देश की उन्नति और देश के जवानों को बचाने में बहुत बड़ा हाथ होगा। तो मलाड मस्ती के लिए सभी सेलिब्रिटी को एक साथ यहाँ मंच पर इकट्ठा करना ये मुश्किल रहा, या फिर उन लोग भी सोशल कॉज के लिए जुड़ने के लिए रेडी? देखो, चीज़ अच्छी हो, कॉज अच्छी हो तो लोग कहीं भी आ जाते हैं, कहाँ भी आ जाते हैं, और ये तो एक जंग जो है ड्रग्स के खिलाफ है, मेल न्यूट्रिशन के खिलाफ है। पूरा देश जो है इसमें साथ में खड़ा होना चाहता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, सब चले आते हैं, आप भी चले आए। सारे प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। फोर वीक सुबह मॉर्निंग में सबको उठने की आदत हो गई है, तो असलम जी का नेक्स्ट संडे किस तरह से होता है? मैं तो चाहूंगा कि ये उठ गए सुबह सुबह तो अब जिम जाना चालू करेंगे, इसको क्लासेस जाएंगे, कोई योगा जाएगा, कोई पिलाटे जाएगा, कोई जुम्बा जाएगा, कोई एक्सरसाइज करेगा, कोई कराटे करेगा, स्केटिंग करेगा, बॉक्सिंग करेगा, दुनिया भर का सारा आजकल के नए दुनिया भर के फाइट्स आ गए, दुनिया भर के नए ट्रेंड आ गए, अपने आप को लुभाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रग्स और ये सारी चीज़ें। नए साल 2019 में क्या मैसेज देना चाहिए? भाई, नए साल में तो मैं यही चाहूँगा कि देश में जो है बहुत ज़्यादा प्यार बटे, जिस तरीके से इस मलाड मस्ती में सारे धर्म के लोग, सारे नौजवान, खास करके इस मलाड मस्ती में जो है 70% से ज़्यादा वो तबका आ रहा है जो आगे चल के देश का भविष्य बनने वाला है, और वो अगर एक दूसरे के साथ इसी तरह मेल के अगर अच्छे रहेंगे, एक दूसरे की जो नफरत की जो एक आंधी पूरे देश को घेरे हुए उसको काटते हुए आगे निकल जाएंगे, तो मेरे ख्याल से फिर से जो है यहाँ पे खुशी और सब लोग खुश हो जाएंगे। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और MP में जिस तरह से कांग्रेस ने अपना जीत की लहर लाई कराई है, उस लहर को लेकर कितनी खुश है असलम जी, और आने वाले चुनाव के लिए आप कैसे तैयार हैं? देखिए, इस देश की जनता को खुशी चाहिए, इस देश की जनता शांति से रहना चाहती, तरक्की करना चाहती है, नौजवान जो रोजी रोजगार करना चाहते हैं, जो भी झूठी बातें करेगा वो ऐसे करके आस्ते आस्ते देश के जो प्लेटफॉर्म उससे खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि मैंने जिन जिन लोगों से पंगा लिया है मुझे डर है, जब इस देश का प्रधानमंत्री अपने आप में डर महसूस कर सकता है तो एक कोई सर्वसाधारण आदमी को डर महसूस करना कोई बड़ी बात नहीं है, और उन्होंने क्या गलत कहा। आज जो है वो गाय बैल जो है वो इंसान की जान से ज़्यादा कीमती हो गए, आज लोगों को मारा जा रहा है, और मेरे ख्याल से उसमें जो है गौ रक्षा के नाम पर किया जा रहा है, तो हर आदमी कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करता है, और उन्होंने अपनी बात रखी तो डेमोक्रेसी में बाबा साहेब अम्बेडकर ने यही तो एक सबसे बड़ा प्रावधान दिया है कि जिसको जो कहना वो कह सकता है, वो ज़रूरी नहीं कि सच हो या झूठ हो, लेकिन देश के जो हालात है उसको देखते हुए मुझे लगता नहीं, मीडिया भी तो मार खा रही, मीडिया की तो गाड़ी चल रही, औरतें मारी जा रही, इससे डर का माहौल नहीं तो और क्या है। बहुत सही था, और एक्चुअली मैं हैदराबाद से डायरेक्टली फ्लाइट लेके यहाँ पे पहुँचा हूँ, मैं सोया ही नहीं हूँ, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत सही लगा मेरे को सुबह, एंड इतने सारे लोग आए वो मेरे को बहुत शॉकिंग लग रही है, सुबह उठ के संडे के दिन से आए, बहुत वेरी गुड फीलिंग, गुड वाइब। पीछे दोनों चीज़ है एक्चुअली, असलम जी बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे, बड़े भाई है, तो उनके लिए कभी भी दिन हो या रात हो मैं उनके लिए कभी भी आ जाऊँगा, उससे कुछ नहीं है, बट
जैसे मैंने कहा ये यू नो यूथ का पावर जो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि लोग बच्चे भी आजकल सुबह उठ के आ रहे हैं, दैट्स वेरी गुड. सोशल कॉज भी है, इट्स अ पैकेज. एंड यहाँ पे इतना जो वाइब था वो क्लब से बेटर था, जो क्लब में बजाते उससे बेटर ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आया. न्यू ईयर तो मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं कैलकटा में हूँ. और आपके और डीजी के साथ समय के साथ कुछ चेंजिंग आती है आपके? टाइम के साथ चेंज होना पड़ता है बिकॉज जैसे यू नो हर एक जनरेशन को अलग अलग टाइप का म्यूजिक पसंद है, तो चेंज टाइम अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, जैसे आज से 15 साल पहले जो साउंड चलता था वो आज नहीं चलता, तो वो ज़रूरी है कोई भी फील्ड में, यू हैव टू चेंज द टाइम. मुकेश, यू इज़ द बेस्ट पर्सन टू गिव. ओके, मैं डॉक्टर मुकेश गुप्ता हूँ. मैं एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप है हमारा, जिसे हम कहते हैं माइंड स्पेस ALM. यहाँ की 36 सोसाइटीज़ हैं जो सब मिलके एक साथ एक फैमिली की तरह रहती हैं, और हम सब मिलके हम लोगों को सिविक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस, और काफ़ी सारे जो हमारे दिनचर्या की चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि चाहे वो क्लीनलीनेस ड्राइव हो, चाहे वो ग्रीन ड्राइव हो, चाहे वो सेव द यू नो यूथ फ्रॉम ड्रग्स हो, ये सारे कैंपेन हम करते हैं. अब ये जो ओरिजिनल थॉट है वहाँ से हमने शुरुआत किया था और आज हम यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं. ये मलाड मस्ती जो इवेंट है, चार संडे जो होते हैं हमारे इन द मंथ ऑफ दिसंबर, हम यहाँ लोगों को इकट्ठा करते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कराते हैं और साथ में बहुत सारा सिविक अवेयरनेस मैसेजेस देते हैं. आप यहाँ पर 80-90 एक्टिविटीज़ देखते हैं इस पूरे बैकरोड पर. हर एक्टिविटी के पीछे एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा मैसेज होता है जो वो घर ले जाएँ और अपने जहन में ध्यान रखें और इस देश को और इस समाज को बेहतर कर सकें. और उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है ऐसे हीरो का हमारे साथ में जो हैं, जो ऐसी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं और बिना किसी को कोई तकलीफ हो, कोई एक्सीडेंट, कोई मारामारी या कोई तकलीफ ना हो, ऐसा मैनेज करने में हमारे ऑफकोर्स द मुंबई पुलिस एंड ट्रैफिक का बहुत मदद रहता है, हमारे चहेते नेता और जो लोग हैं सारे के सारे, असलम शेख जी की टीम है, वो सब है. लेकिन जो माइंड स्पेस ALM के जो ऑफिस बेरर्स हैं, उन लोगों ने इसमें नेटवर्किंग और लोगों को वॉलंटियर करके सबको एक साथ लेके एकजुट एक टीम बनाने में जो मदद की है, ये एकदम सराहनीय है. Again, you will be the best person to explain because your language is okay. Very good. क्या होता है कि जब घर में बैठे हैं लोग और परिवार, और जो परिवार घर में बैठ के ये सोचते हैं कि हम टीवी देखें, मॉल जाएं, घूमें फिरें, हम चाहते हैं कि परिवार सब एक दूसरे से जुड़ें, बाहर निकलें और फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करें. और हम चाहते हैं कि हर इंसान ये सोचे कि वो अपने शरीर का, अपने आप द्वारा, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का कैसे भला करे. छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कचरा को कैसे आपको सेग्रीगेट करना है, छोटी चीज़ें हैं जो म्यूनसिपैलिटी इतनी मेहनत कर रही है, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि लोगों को एक साथ बुला के गार्डन तक पहुँचाना. यहाँ पर जो इस एरिया में आप जो देख रहे हैं इतना ग्रीन कलर देख रहे हैं, ये इसीलिए है क्योंकि 30,000 ट्रीज एक सेशन में हम लोग यहाँ पर माइंड स्पेस ALM द्वारा हम यहाँ पर लगाया जाता है और ये एक चीज़ की जाती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रीन लंग मिले. यहाँ पर जो एंटी सोशल एक्टिविटी होती थी, रेसिंग, ड्रग्स में ये सारी चीज़ की अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हम करते हैं. यहाँ बड़े बड़े मॉल हैं आसपास में, नॉट बट इन्फिनिटी जैसे, वहाँ हम कैंपेन करते हैं जहाँ हम यूथ को अवेयर करते हैं कि भाई ड्रग्स ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर को और देश को खोखला किए जा रही है, तो उसे कैसे रोका जाए और उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, और यदि आपका कोई दोस्त इसमें ग्रस्त है और परेशान है तो उसको कैसे बाहर निकाला जाए. हम डॉक्टर्स को, पुलिस को, स्वयंसेवक को, पॉलिटिशियंस को एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी को साथ में लेके ये एक्टिविटीज करते हैं. तो मलाड मस्ती का किस तरह से फूड भी आता है, समझा रहा हूं. इंग्लिश में पूछिए. हां, आज के मलाड भी फूड, यू वांट टू शेयर समथिंग? Yeah. What did you ask? Is she saying that how was the 4 weeks conducted in program? As 4 weeks conducted was, you know, is a roller coaster drive as far as we are concerned. We have been planning this for almost for about 3 months now, and November, December, and absolutely a roller coaster drive completely, bringing in so many people, managing them, managing all these activities. It is not an individual's work; it is the entire team which performs today. The culmination of whatever you see today, it is the team which has done this job.